आज 21 अक्टूबर 2019 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ है उसमें यह है, दी न्यूज़ ने एडिटोरियल पब्लिश किया है, नो प्लेस फॉर स्टूडेंट्स। ये जो रिसेंट ऑपरेशन हुआ था प्राइवेट हॉस्टल्स पे, जो रेजिडेंशियल एरिया में इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश की गई थी प्राइवेट ओनर्स की तरफ से, CDA ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और स्टूडेंट को वेकेट करवाया। तो उस हवाले से एडिटोरियल में ये इंफरसाइज किया गया कि ये जो इदारे जिनके स्टूडेंट्स हैं वो और HEC इस तरह के अरेंजमेंट करें इनकी रेजिडेंशियल जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो साथ में उन्होंने वो बजट कट का भी हवाला दिया कि गवर्नमेंट जब बजट कट करती है तो ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो लिमिटेड रह जाती है। उसके बाद PMDC की डिज़ाल्व के हवाले से डॉन न्यूज़ में एक खबर पब्लिश हुई है। इकराम जुनेदी साहब ने रिपोर्ट की है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जो नया ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से है वो जारी कर दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने कल जो है संडे के दिन PMDC बिल्डिंग का और रिकॉर्ड को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर टेक ओवर कर लिया, और इसके जो 220 एम्प्लॉज़ हैं उनको एक हफ्ते तक छुट्टी दे दी ताकि वो रिकॉर्ड को प्रॉपरली टेक ओवर कर लें। इस पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और दूसरे कुछ स्टेक होल्डर्स की कंसर्न भी आए हैं। बॉडी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन होगी उस कमीशन के जो है 3 मेजर इदारे होंगे, एक मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, दूसरा नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड होगा, और तीसरा नेशनल मेडिकल अथॉरिटी जो सेक्रेटरीट के तौर पे काम करेगी। तो इस हवाले से जो आइडिया बिहाइंड दिस होल एपिसोड है वो ये है कि 21st सेंचुरी की जो नीड्स हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, उसके मुताबिक ये बॉडी चलाई जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आज से सेशन 2019 की क्लासेस शुरू हो गई हैं, ये उर्दू पॉइंट पे खबर है। उसके बाद दी न्यूज़ का ये रेगुलर फीचर है डेली दी न्यूज़ का कि मंडे को वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो क्वेरीज होती हैं स्कॉलर्स की, स्टूडेंट्स की, वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सैयद अजहर आबदी जो है ये क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में। देन ये पंजाब यूनिवर्सिटी और उकाड़ा यूनिवर्सिटी ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो चाइना का है उसके साथ MOU साइन किया कल्चरल और जो लिटरेचर और जो गुड प्रैक्टिसेस होंगी वो चाइना अपनी शेयर करेगा, पाकिस्तान अपनी शेयर करेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन ये उर्दू पॉइंट ने खबर पब्लिश की है कि डॉक्टर इमदाद इस्माइली जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के प्रोफेसर हैं उनको अपॉइंट किया गया है प्रो वाइस चांसलर बीरपुर खास कैंपस में। देन डॉक्टर अब्दुलरहमान यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन्होंने शुगर कैन इंटरक्रॉपिंग ड्रिल जो है पेटेंट डेवलप किया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं, हम ज़्यादातर जो ज़रूरी मुल्क होने की वजह से हमारे जो अप्लाइड रिसर्च अगर इस तरह की इन्वेंशंस करती रहेंगी तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा फार्मर और जो हमारी फील्ड के लोग हैं उनको होगा। उसके बाद ये इंटरनेशनल सिंपोजियम कायद अजम यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर ऑफ फिज़िक्स में हो रहा है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के मटेरियल साइंस के एक्सपर्ट जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें PEC भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी। देन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन कराची में 26 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी न्यूज़ है दी नेशन में, ये इससे पहले जो है इस्लामाबाद वगैरह में हो चुका है। तो ये थी आज की